हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लिटरेरी टर्म्स। हाउ मेनी टाइप ऑफ लिटरेरी टर्म्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, तो कितने तरीके के लिटरेरी टर्म्स होते हैं, इसी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है, अच्छे से आप इनको पढ़िएगा और नोट करते रहिएगा। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से कंटेंट मैं आपके लिए लेकर रेगुलर और लेकर आती रहूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट लिटरेरी टर्म्स टाइप या जेनर भी इनको कहते हैं। डेफिनेशन क्या होती है जेनर की, सबसे पहले ये देखते हैं। जेनर मीन्स द टाइप ऑफ आर्ट कि लिटरेचर और म्यूजिक करेक्टराइज्ड बाय अ स्पेसिफिक फॉर्म, कंटेंट एंड स्टाइल। फॉर एग्जांपल, लिटरेचर हैज फोर मेन फिगर्स। ओके, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जेनर का मीनिंग क्या होता है। मीन्स द टाइप ऑफ आर्ट, किसी भी टाइप को करते हैं लिटरेचर को जब हम लिखते हैं, है ना, या फिर म्यूजिक को हम करेक्टराइज करते हैं, उसकी विशेषताएं हम बताते हैं, तो हमें बाय अ स्पेसिफिक फॉर्म, हमें उसकी कुछ स्पेसिफिक फॉर्म बतानी होती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर फोर मेन जेनर्स हैं, पोएट्री है, ड्रामा है, फिक्शन है और नॉन फिक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास हैं, फोर मेन चीज़ें हैं। इन्हीं में और भी कई कंटेंट ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ दी जेनर्स हैव पर्टिकुलर फीचर्स एंड फंक्शंस दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर। हैंस इट इज़ नेसेसरी ऑन द रीडर्स टू नो विच कैटेगरी ऑफ जेनर दे आर। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि ऑल ऑफ दी जेनर्स हैव पर्टिकुलर फीचर्स, इन सारे जेनर्स की एक पर्टिकुलर फीचर्स होती हैं सबकी अलग अलग, एंड फंक्शंस और अलग अलग काम होते हैं इनके, दैट डिस्टिंग्विश जो इनको अलग कर देते हैं एक दूसरे से, है ना, तो देम फ्रॉम वन अनदर। हैंस इट इज़ नेसेसरी ऑन द पार्ट ऑफ रीडर्स टू, तो ये जरूरी होता है रीडर्स के लिए जानना कि विच कैटेगरी ऑफ जेनर दे आर रीडिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैसेज इट कन्वेज, कि कौन सी कैटेगरी में किस टाइप का हमें मैसेज यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है। एज दे मे हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस प्रियर टू द रीडिंग कंसर्न्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट है, टाइप ऑफ जेनर देख लेते हैं। देर आर फाइव टाइप ऑफ जेनर इन लिटरेचर विच इंक्लूड। सबसे पहले पोएट्री की बात करते हैं। पोएट्री क्या होता है, पोएट्री इज़ द फर्स्ट मेजर लिटरेरी जेनर, ये सबसे पहला लिटरेरी जेनर है। ऑल टाइप ऑफ लिटरेरी शेयर स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स, इन फैक्ट पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट दैट फॉलोज अ मीटर एंड रिदम विद ईच लाइन एंड सिलेबल्स। होता क्या है फ्रेंड्स, पोएट्री इज द फर्स्ट मेजर लिटरेरी जेनर होता है। ऑल टाइप ऑफ पोएट्री शेयर स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स इन फैक्ट्स। ठीक है, तो इसमें जो है हर टाइप की यहाँ पे करेक्टरिस्टिक होती हैं, कई टाइप की होती हैं। इनफैक्ट पोएट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ये एक टेक्स्ट की फॉर्म होती है जो क्या फॉलो करती है, मीटर होता है इसमें और रिदम होती है इसमें, लय होती है इसमें। ठीक है, तो विद ईच लाइंस मीटर एंड सिलेबस, ईच लाइन एक दूसरे को मैच करते हुए जाती है, इसकी एक ताल होती है, एक लय होती है। और मीटर का मतलब होता है कि जो चीज़ एक चीज़ अगर रा पे ख़त्म हो हुई है एक लाइन, तो दूसरी लाइन स्ट्रा पे ख़त्म हो जाएगी, है ना, तो ये मीटर होता है। सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जेनर्स, और अब इनको सब डिवाइड कैसे किया गया है। मेन तो हमारे फोर या फाइव होते हैं, लेकिन इनको कैसे डिफरेंट यहाँ पे किया गया है। एपिक पोयम होती है, नैरेटिव पोयम होती है, पोयम को कैसे डिफरेंट किया जा रहा है। ठीक है, एपिक पोयम हो गई, नैरेटिव पोयम हो गई, रोमांटिक होती है, ड्रामेटिक होती है, लिरिक होती है, और ड्रामेटिक पोएट्री इंक्लूड्स मेलोड्रामा, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। ठीक है, तो व्हाइल अदर पोयम्स इंक्लूड्स ओड भी होती है, सोनेट होती है हमारे पास, एलिजी होती है, बैलेड, सॉन्ग और एपिक्स। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे पास एक टाइप से जेनर्स होते हैं, पोएटिक टाइप कह सकते हो आप इनको। तो पॉपुलर एग्जांपल ऑफ एपिक पोयम आर पैराडाइज लॉस्ट। एपिक पोयम, एपिक बहुत बड़ी होती है ना, और इसको एक सॉन्ग की तरह यहाँ पे गाया जाता है, बहुत बड़ी होती है एपिक। तो इंग्लिश में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट इम्पोर्टेंट है, इलियड की ओडिसे इम्पोर्टेंट है, होमर बाय इलियड एंड द ओडिसे बाय होमर, और क्या इम्पोर्टेंट है, रेड रेड रोज बाय रॉबर्ट बर्न्स। ये मॉक एपिक है, ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिक है हमारी। ऑल दिस पोएटिक फॉर्म्स शेयर स्पेसिफिक फीचर्स सच एज दे डू नॉट फॉलो पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस, दे यूज स्टैंजास एंड लाइंस इन स्टेट। तो ऑल दिस पोएटिक फॉर्म्स, ये जो सारी पोएटिक फॉर्म्स होती हैं, इनमें क्या है, स्पेसिफिक फीचर होती है इनकी, सच दे डू नॉट फॉलो, इनमें कोई पैराग्राफ नहीं होता है, ना कोई सेंटेंस होता है। ठीक है, इनमें स्टेंजा होते हैं,
और लाइंस होती हैं वहाँ पे स्टेंजा में। सम फॉर्म्स ऑफ फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स, कुछ फॉर्म्स तो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती हैं रूल को फॉलो करने में, बहुत स्ट्रिक्ट रूल उनके होते हैं, वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। एंड नंबर ऑफ स्टेंजास, ठीक है, लेंथ भी होनी चाहिए फिक्स और नंबर भी आगे फिक्स होने चाहिए। एंड लाइन सजेस्ट विलानेले सोनेट एंड हाइकू, ठीक है, जैसे कि सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं इस टाइप से। वाइल सम में भी फ्री लाइक आ फ्री वर्स, और इनमें से कुछ बिल्कुल फ्री होती हैं, उनमें आप कितनी भी लाइन रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, वहाँ पे फीलिंग्स रख सकते हो कुछ भी। तो यहाँ पे फीलिंग्स किसकी है, नाउ बाय कैथरीन फोरमैन दैट इज़ डिवाइडी ऑफ एनी रेगुलर मीटर, ठीक है, डिवाइड करता है किसी भी रेगुलर मीटर को, ये राइम को भी। तो बिसाइड्स दैट ऑफन पोएट्री यूजेस फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, मतलब फिगरेटिव से मतलब होता है कि यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच भी हमें देखने को मिलते हैं, सिमली मेटाफर एक्सेट्रा, मेटाफर हो गया, सिमली हो गया, ओनोमेटोपो, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्रिएट हाइटन इफेक्ट्स। अब बात आती है ड्रामा की, ड्रामा में क्या है, ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट दैट इज परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, ठीक है, ये एक टेक्स्ट की फॉर्म होती है, परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्ले, ठीक है। ड्रामा हमेशा ऑडियंस के सामने क्रिएट किया जाता है, देखने वाले वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए उसको, और इसको हम प्ले भी कहते हैं, नाटक भी कहते हैं। इट्स रिटन टेक्स्ट कंटेन्स डायलॉग्स एंड स्टेज डायरेक्शंस, तो यहाँ पे बाकायदा डायलॉग बोले जाते हैं एक दूसरे के थ्रू, और ये स्टेज पे यहाँ पे इसको क्रिएट किया जाता है। दिस जेनर हैज़ फर्दर कैटेगरीज सच एज कॉमेडी हो गई, ट्रेजेडी हो गई, ट्रेजी कॉमेडी एट्सेट्रा, यहाँ पे ये कॉमेडी भी हो सकती है, ट्रेजेडी भी हो सकती है, ट्रेजी कॉमेडी भी हो सकती है। विलियम शेक्सपियर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ही हिज वेल नोन प्लेज, उनके बहुत बढ़िया बढ़िया से प्ले कौन से हैं, टेमिंग ऑफ द श्रू है, रोमियो एंड जूलियट है, हैमलेट है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं इनके, एज यू लाइक इट है, और भाई आपका कई सारे हैं, ठीक है। तो वाइल ग्रीक प्ले राइट्स वर द पियोनियर्स इन दिस फील्ड सच एज सोफोकल्स मास्टरपीस इज ओडिपस रेक्स एंड एंटीगन, तो वाइल मॉडर्न ड्रीम्स ड्रामाज इंक्लूड डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर, ठीक है। ग्रीक प्ले राइट कौन कौन हो गए, सोफोकल्स हो गए, है ना, और इनका मास्टरपीस क्या है, इज ओडिपस रेक्स एंड एंटीगोन। और ऐसे ही मॉडर्न ड्रामाज में कौन हो जाता है, डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर, ये इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है प्रोज की, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिटन टेक्स्ट, ठीक है, प्रोज क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिटन टेक्स्ट डिफरेंट फ्रॉम पोएट्री इन दैट इज हैज़ कंप्लीट सेंटेंस ऑर्गेनाइज्ड इनटू पैराग्राफ्स। इसमें क्या होता है, ये एक रिटन टेक्स्ट होता है, डिफरेंट फॉर्म्स पोएट्री इन दैट इट हैज़ कंप्लीट सेंटेंस ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस होते हैं हमारे, और ये एक पैराग्राफ के रूप में होता है, पोएम्स पोएट्री किस रूप में होती है, स्टेंजा में, और ये किस रूप में होता है, पैराग्राफ में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अनलाइक पोएट्री प्रोज फोकसेस ऑन कैरेक्टर्स, पोएट्री में क्या होता है, कैरेक्टर्स को फोकस नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर्स को फोकस किया जाता है, प्लॉट को फोकस किया जाता है, देन फोकसिंग ऑन साउंड्स, ठीक है। इट स्टोरीज एंड नॉवेल्स वाइल फिक्शन एंड नॉन फिक्शन आर इट्स सब जेनर्स, इसमें क्या क्या होता है, इसमें शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, ठीक है, और एक चीज़ और होती है, फिक्शन और नॉन फिक्शन, ये भी इसकी सब जेनर्स होती हैं। प्रोज इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू एसेज सर्मन्स एंड इंटरप्रिटेशंस, ओके, चलिए अब फिक्शन क्या है, फिक्शन हैज़ थ्री कैटेगरीज दैट आर रियलिस्टिक नॉन रियलिस्टिक एंड सेंसन, तो फिक्शन की कितनी कैटेगरीज होती हैं, रियलिस्टिक होती है, नॉन रियलिस्टिक होती है, सेमी फिक्शन होती है। यूजुअली फिक्शन वर्क इज नॉट रियल, फिक्शन में रियल वर्क नहीं होता है, एंड देयरफॉर ऑथर्स कैन यूज कॉम्प्लेक्स फिगरेटिव लैंग्वेज टू टच रीडर्स इमेजिनेशन, यहाँ पे रीडर्स की इमेजिनेशन को टच किया जाता है ऑथर के द्वारा, ओके। अनलाइक पोएट्री इट इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड
follows proper grammatical pattern and correct mechanics. जबकि पोएट्री की तरह इमेजिनेशन को तो टच किया जाता है इसमें, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है, फिक्शन के अंदर. आप फिक्शनल वर्क में इनकॉर्पोरेट फैंटेस्टिकल एंड इमेजिनरी आइडियाज़ फ्रॉम एवरीडे लाइफ. यहाँ पे एवरीडे लाइफ के जो इमेजिनरी आइडियाज़ होते हैं वो आप ऐड कर सकते हो. तो इट कंप्राइजेज सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स सच एज प्लॉट, एक्सपोजिशन, फोर शेडोविंग, राइजिंग एक्शन, और आपका क्लाइमेक्स हो जाता है, फॉलिंग एक्शन हो जाता है एंड रिजोल्यूशन हो जाता है, ठीक है. ये इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं. द पॉपुलर एग्जाम्पल्स कैन इंक्लूड जेम्स जॉयसिस नावल. जो पॉपुलर एग्जाम्पल है लिटरेरी फिक्शन के वो कहाँ मिलते हैं, जेम्स जॉयस के नावल में मिलते हैं. अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है. अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन. चार्ल्स डिकन्स अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये फिक्शन हो जाती है. जेन ऑस्टिन्स प्रेजुडाइस एंड हार्पर लेसिस टू किल अ मॉकिंगबर्ड, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. नॉन फिक्शन की बात करें तो नॉन फिक्शन इज़ अ वेस्ट कैटेगरी दैट ऑल्सो हैज सब जेनर्स. जो नॉन फिक्शन होती है वो एक वेस्ट कैटेगरी होती है, बड़ी कैटेगरी होती है, दैट ऑल्सो हैज सब जेनर्स. इसके खुद के भी सब जेनर्स होते हैं. एंड फैक्चुअल लाइक साइंटिफिक पेपर. इट मे ऑल्सो यूज फिगरेटिव लैंग्वेज, इसमें भी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज होती है हमारी. हाउ एवर नॉट एबंडेंटली लाइक पोएट्री, जबकि ये पोएट्री के जैसा नहीं होता है, डिफरेंट होता है, पैसेज होते हैं इसमें. और फिक्शन हैज़ समटाइम इट मे टेल अ स्टोरी लाइक ऑटोबायोग्राफी, कभी कभी इसमें ऑटोबायोग्राफी भी हमें देखने को मिलती है. और समटाइम्स इट मे कन्वे द इन्फॉर्मेशन टू द रीडर्स, और कभी कभी ये एक इन्फॉर्मेटिव फॉर्मेट में भी होता है जो कि इन्फॉर्मेशन देता है रीडर्स को. अदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन फिक्शन इंक्लूड बायोग्राफीज, और भी एग्जाम्पल होते हैं नॉन फिक्शन के जिसमें बायोग्राफी होती हैं, डायरियाँ होती हैं, मेमोयर्स होते हैं, जर्नल्स, फैंटेसीज, मिस्ट्रीज एंड रोमांसिस, ये सब भी हमारे नॉन फिक्शन में ही आते हैं. द पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ नॉन फिक्शन जेनर इज माइकल पॉलन्स हाईली सेलिब्रेटेड बुक द ओमनीवर्स डिलेमा, मोस्ट फेमस बुक है ये माइकल पॉलन्स हाईली की, ये एक नॉन फिक्शन है. और हिस्ट्री ऑफ फोर मील्स विच इज़ एन अकाउंट अबाउट ईटिंग हैबिट्स ऑफ अमेरिकन्स, ठीक है, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट था. अब शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं. ब्रीफ फिक्शनल प्रोज नैरेटिव दैट इज शॉर्टर देन अ नोवल. शॉर्ट स्टोरी एक नोवल से छोटी होती है, प्रोज नैरेटिव होती है ये भी, लेकिन ये छोटी होती है. यूजुअली डील्स विद ओनली अ फ्यू कैरेक्टर, इसमें बस थोड़े से कैरेक्टर्स होते हैं. नोवल तो बड़ी चीज़ हो गई, ये छोटी होती है. तो द शॉर्ट स्टोरी इज यूजुअली कंसर्न्ड विद अ सिंगल इफेक्ट कन्वेड इन ओनली वन और अ फ्यू साइनिफिकेंट एपिसोड और सीन्स. सब्जेक्ट केवल एक ही सब्जेक्ट होता है इसमें, उसी पे थोड़े से यहाँ पे सीन्स होते हैं, थोड़े से इफेक्ट होते हैं. द फॉर्म एनकरेजेज इकोनॉमी ऑफ सेटिंग, कंसाइज नैरेटिव एंड द ओमिजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट कैरेक्टर इज डिस्क्लोज्ड, कैरेक्टर्स में डिस्क्लोज होते हैं. इन एक्शन एंड ड्रामेटिक एनकाउंटर बट इज सेल्डम फुल्ली डेवलप्ड डिस्पाइट इट्स रिलेटिवली लिमिटेड स्कोप. दो अ शॉर्ट स्टोरी इज ऑफन जस्ट बाय इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड अ कंप्लीट और सेटिस्फाइंग ट्रीटमेंट ऑफ इट्स कैरेक्टर्स एंड सब्जेक्ट्स. यहाँ पे एक छोटा सा सब्जेक्ट होता है, उसी के इर्द गिर्द जो है दो चार कैरेक्टर्स होते हैं, एक छोटी सी थीम होती है, उसी में यहाँ पे ये लगे हुए होते हैं. और ये देखने पे पता चलता है कि कोई शॉर्ट स्टोरी कितना सेटिस्फाई करी है अपने कैरेक्टर्स. तो ये हमारे कुछ जेनर्स थे, ठीक है. अभी कुछ और बचे हुए हैं इसमें, वो हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पूरे करती हूँ तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी गाइज. तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं.